इसके लिए आपको अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और सर्च बार में आपको टाइप करना है इंडस बैंक नेट बैंकिंग। फिर आप सर्च करेंगे, सर्च करते ही जो सबसे पहला रिजल्ट आएगा उसे आपको अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में ओपन करना है। वैसे मैंने इसका डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहां से भी इस पेज को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहां पर आपको कंटिन्यू टू इंडस नेट का एक बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इंडस बैंक के मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड बिल्कुल सेम होता है। तो अगर आप यहाँ से अपने इंडस बैंक के यूज़र नेम और पासवर्ड को फॉरवर्ड करते हैं तो आपके इंडस बैंक के मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों फॉरवर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना यूज़र नेम फॉरवर्ड करना होगा, तभी आप अपने इंडस बैंक के इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के पासवर्ड को फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो यूज़र नेम को फॉरवर्ड करने के लिए आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको फॉरवर्ड यूज़र नेम का एक बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉरवर्ड योर यूज़र आईडी पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर देना है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड का नंबर भी अकाउंट नंबर के बजाय दे सकते हैं। इसे देने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ या अपना पैन कार्ड नंबर इंटर करना है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ याद है तो यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर भी दे सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक ही डिटेल यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको खुद को ऑथेंटिकेट करना होगा। आपके इस बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर इसके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, डियर कस्टमर योर इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। आपका यूजर आईडी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है, अब आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड फॉरवर्ड करना है। पासवर्ड फॉरवर्ड करने के लिए नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो फॉरवर्ड पासवर्ड का एक बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे या आप चाहें तो यहाँ पर रीसेट लॉगिन पासवर्ड पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको उसी यूज़र आईडी को इंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा भेजा गया है, फिर आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने अकाउंट की डिटेल देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने एटीएम कार्ड का नंबर एंटर करना है। नीचे आएंगे, इसी एटीएम कार्ड के पिन को यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर आप नीचे आएंगे, अपने इस एटीएम कार्ड का एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करेंगे। आपके एटीएम कार्ड का एक्सपायरी डेट आपके एटीएम कार्ड पर ही लिखा होता है, उसे सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको आना है। यहाँ पर आपको इस एटीएम कार्ड का सीवीवी नंबर लिखना है। सीवीवी नंबर भी आपके एटीएम कार्ड के पीछे लिखा होता है। 3 डिजिट का सीवीवी नंबर यहां पर एंटर करेंगे, फिर इस वेरिफिकेशन कोड को यहां पर एंटर करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको अपने इस एटीएम कार्ड का पिन याद नहीं है तो यहां पर आपको आई डोंट हैव पिन का एक ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलकर आएगा, यहाँ पर आपको अपने इसी एटीएम कार्ड का नंबर एंटर करना है, फिर आपको इस एटीएम कार्ड का एक्सपायरी डेट एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको इस एटीएम कार्ड का सीवीवी नंबर एंटर करके इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, यहाँ पर आपको अपना कस्टमर आईडी एंटर करना है। कस्टमर आईडी आपके चेकबुक पर या आपके पासबुक पर लिखा होगा, उसमें से देखकर आपको यहाँ पर अपना कस्टमर आईडी एंटर करना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे या आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे, इन दोनों में से आपको कोई भी एक ही डिटेल को एंटर करना है। फिर आप यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर फिर से एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर देकर सेट पिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको 4 डिजिट का नया पिन सेट करना है। इस पिन को आपको याद रखना है क्योंकि इसी पिन की मदद से आप अपने इस एटीएम कार्ड से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी 4 डिजिट का पिन सेट करेंगे, उसी पिन को यहाँ पर आपको कंफर्म करना है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, योर डेबिट कार्ड पिन हैज बीन सेट सक्सेसफुली। अब आपको इस पेज को कट कर देना है। कट करने के बाद उसी पिन को यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर से सभी डिटेल को देने के बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर देखकर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करना है। जो भी आप नया लॉगिन पासवर्ड रखना चाहते हैं उस पासवर्ड को यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे। लॉगिन पासवर्ड का सैंपल आपको यहाँ पर दिख जाएगा,
ठीक इसी तरह से अपना भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उस पासवर्ड को यहाँ पर आप इंटर करेंगे, उसी पासवर्ड को नीचे आप दोबारा से इंटर करके कंफर्म करेंगे। यहाँ पर आपको इसके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, फिर आप यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह का मैसेज आ जाएगा, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, आपका पासवर्ड सक्सेसफुल चेंज हो गया है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने दोबारा से ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको उस यूज़र नेम को इंटर करना है जो आपने फॉरगॉट किया था, फिर उसी पासवर्ड को यहाँ पर आप इंटर करेंगे जो अभी आपने यहाँ पर जनरेट किया था। फिर यहाँ पर आपको सर्विस टाइप सेलेक्ट करना है, इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप सक्सेसफुल इंडस बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में आप लॉगिन कर जाएंगे। तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से अपने इंडस बैंक के यूजर नेम और पासवर्ड को फॉरगॉट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है नीचे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।